नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। जिला श्योपुर में भारत सरकार के अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम श्रमिक पंजीयन का कार्य CSC कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा पूरे भारत में CSC के द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। जिले के समस्त श्रमिकों को जागरूक करने के लिए आज श्योपुर जिले में बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के CSC VLES उपस्थित थे। साथ ही बाइक रैली को SDM विनोद सिंह व प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान SDM ने कहा कि जिले के समस्त श्रमिकों का जल्द से जल्द पंजीयन किया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिसोदिया ने कहा कि भारत सरकार की इस योजना की सराहना की जानी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का जल्द से जल्द लाभ लोगों तक पहुंचाए, वह लोगों को इससे अधिक फायदा हो सके। बाइक रैली में उपस्थित CSC जिला प्रबंधक ब्रज किशोर यादव एवं जिला समन्वयक हीना आर्य समस्त VLES उपस्थित थे। श्योपुर से RK अंकोदिया की रिपोर्ट। जैसे कि पहले भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ये श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन उस श्रमिक कार्ड को जैसे अपना आधार कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बना है, उस तरह के श्रेणी में लाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए इन लोगों ने ये रैली निकाली है जागरूकता ये करने के लिए कि लोग जिनके पास श्रमिक कार्ड है वो अपने श्रमिक कार्ड के आधार पर इन लोगों को दे करके वो बनवा लें। तो इससे क्या होगा कि एक उनका डाटाबेस तैयार हो जाएगा और उस डाटाबेस के आधार पर जैसा कि ये बता रहे हैं भारत सरकार राज्य सरकार भी रोजगार की व्यवस्था करेगी और दूसरे इन लोगों को ये जीवन के लिए माने सुरक्षा के लिए जीवन सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपये का बीमा भी करा दिया जाएगा। ई श्रमिक कार्ड के लिए है, लोगों को जागरूक करने के लिए ई श्रमिक कार्ड के लिए। तो ये ई श्रमिक कार्ड भारत सरकार इसको फ्री में बनवा रही है और हमारे CSC सेंटर से कॉमर्स सेंटर से इनको बनाया जाएगा और ये फ्री है, बिल्कुल ही कोई चार्ज नहीं है इसके लिए और इस पर 2 लाख का बीमा भी है जिस कस्टमर का बनेगा। और इसको बनवाने के लिए कोई भी हाथ ठेला वाला या रोड पर दुकान करने वाले कोई भी मजदूर इसको बनवा सकता है। क्या फ़ायदे हैं इससे? फ़ायदे हैं, एक तो भारत सरकार उनको काम देगी, जैसे अभी वो क्या काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको वर्क मिलेगा करने के लिए और उनको 2 लाख का बीमा भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें दैनिक दिल्ली न्यूज़ के साथ। नमस्कार।